आज बिहार में जो हुआ, नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। फिर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी का दामन फिर से अपना लिया है, और इसी के बीच उनको पलटू राम और बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। तो मुझे एक अपने बचपन का वाक्य याद आया, और एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों से सोचा मैं शेयर करूं। तो बस वहीं आज मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि शायद आप सभी को पसंद आएगी। ये बात है सन 2006 की। मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में था, और हर साल की तरह गर्मियों की 50 दिन की छुट्टियों में मैं और मेरा परिवार हमेशा अपने मामा के यहाँ गांव में, जो कि बेतिया बिहार में था, वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने गए थे। गांव में मिट्टी की रोड रोड ही थी, और कहीं कहीं कच्ची सड़कें भी थीं। जब भी कोई मोटरसाइकिल आती तो मिट्टी उड़ती, जिसे भोजपुरी में धूरा कहते हैं, और वो धूरा हम खेलते हुए बच्चों पर उड़ता, और हम उसका आनंद लेते हुए कहते कि फेयर एंड लवली के पाउडर लाइक गर्ल। पाउडर यानी कि कच्ची सड़क की वो मिट्टी जो मोटरसाइकिल आने के बाद उड़ती। हम बच्चे मजाक में उसे पाउडर कहते थे। हर गली के दुकान पर उस समय नीतीश कुमार की बात होती थी। मुझे उस समय नहीं पता था कि नीतीश कुमार कौन है, बस स्कूल में सीएम और पीएम के बारे में रट लिया था। कान में सुनाई देता था कि नीतीशवा आ गइल बा, लालू जादू का राज खत्म हो गई, अब सड़क बन जाई, बिजली आ जाई। मैं उन ऊबड़ खाबड़ रोड पर साइकिल चलाता और सोचता कि अच्छी रोड बनती और मैं साइकिल अच्छे से चला पाता। मैं उन दिनों नीतीश कुमार की सरकार आने से पहले पश्चिम चंपारण में डाकुओं को काफ़ी खौफ था। गांव में शायद ही कोई ना कोई ऐसी शादी होती थी जिसमें लूटपाट ना हो। ये सन 2000 का बिहार था, मेरे जन्म के 4 साल बाद का बिहार। एक डाकू भागड़ जादो थे, जिनका प्रकोप चलता था बेतिया बगहा में। शाम 6 बजे के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता, सब घरों में सो जाया करते थे। सन 2005 के चुनाव में बिहार ने नीतीश को चुन के बदलाव चुना, एक उम्मीद चुनी। सुशासन बाबू आए थे, जोर शोर से बिहार को प्रगति की तरफ ले जाने की कवायद शुरू हुई थी। मेरी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, और कहीं से कान में सुना कि 2006 में नीतीश सरकार के आने के 1 साल बाद हमारे गांव में भी रोड बनना शुरू होगी। मैं खुश और उत्साहित हो उठा कि काश अगले साल आऊँ तो रोड बन चुकी हो और मैं अच्छे से अच्छी रोड पर साइकिल चला पाऊँ। फिर 2007 आया, वहीं स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां, फिर बेतिया आया। बेतिया रेलवे स्टेशन से मैं और मेरा परिवार टांगा घोड़ी पर बैठकर मामा के गांव की तरफ चल दिए। मैं बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि सड़क बन चुकी थी। हर तरफ सुनने को मिल रहा था कि बहुत बढ़िया सरकार आ गई बा, रोड बन गई बा, डाकू भाग गई लसन, ये सुशासन बाबू थे, बिहार की उम्मीद बन गए थे। हालांकि मैं इन सब बातों से अपरिचित था, बस मेरे दिमाग में वो साइकिल चलाना था कि मैं उस अच्छी रोड पर साइकिल चला पाऊँगा, खूब साइकिल चला पाऊँगा। आज बस इतना ही। अगर इस कहानी को अच्छा रिस्पांस मिला, खैर ये सच्ची कहानी है, तो मैं इसका भाग 2007 के बाद का बिहार और आज तक की कहानी, मेरी ज़ुबानी जो मेरी ज़िंदगी के साथ बीती और जो मैंने अनुभव किया, उसे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर रिस्पांस आया तो। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें।